भाई आज क्रिकेट की दुनिया के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर के बारे में हम बात करते हैं। जब 27 और 28वीं सेंचुरीज के बीच में वो भटक रहे थे तब उनका फॉर्म कुछ समय के लिए बिगड़ गया था। वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। तो सुनील गावस्कर को भी मालूम था कि वापस वो अपना क्लास अपना स्तर फिर से हासिल कर लेंगे। तो उस समय फिर मेलकम मार्शल भारत आए थे वेस्ट इंडीज़ टीम की तरफ से, उनके सामने मुकाबला था। सुनील गावस्कर पर सारी निगाहें टिकी हुई थी, सभी को लग रहा था कि ये खिलाड़ी शुरू में तो बी में ही खेलता है, यानी एक्स्ट्रा कवर से वाइड मिड ऑन के बीच में ही स्ट्रोक खेलता है और ये कभी भी आड़े बल्ले से स्ट्रोक्स ही नहीं खेलता। लेकिन उस दिन पता नहीं सुनील गावस्कर जैसे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ऐसी बात नहीं कि मैं भी चमकदार क्रिकेट आक्रामक क्रिकेट खेल सकता हूं। और चूंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उसका फॉर्म अभी भी कायम है, उनकी श्रेष्ठता अभी भी बरकरार है, तेज़ गेंदबाजों की धार को बोठी करना आज भी उनका प्रमुख काम है और वो कर सकेंगे, तो उन्होंने वही किया। उन्होंने मार्शल को जिस तरह से हुक और पुल करते हुए अपना शतक बनाया, मैं देखकर अचंभित रह गया। मैं ही क्या, पूरी क्रिकेट की दुनिया स्तंभित रह गई कि गावस्कर को ये क्या हो गया। उन्होंने हुक और पुल करके लगातार तेज़ी के साथ रन बनाए और इतने बढ़िया और तकनीकी तरीके से सुदृढ़ पुल और हुक लगाए कि लोग देखते ही रह गए। तो उस क्रिकेट की याद आज भी ताज़ा है। देखिए, लोग लाख बात करें कि पुराना क्रिकेट या गावस्कर के ज़माने का क्रिकेट जो था वो डल था, ड्रैब था, बोरिंग था, लेकिन ऐसी बात नहीं, जब मौका पड़ता था, जब दिलेरी की बात आती थी और जब हिम्मत की बात आती थी, साहस की बात आती थी, तब सुनील गावस्कर ने भी जिस तरह से हुक और पुल लगाकर चमकदार क्रिकेट खेला, आज के T20 क्रिकेटर्स और आज के 50-50 ओवर्स के क्रिकेटर्स भी उससे शर्मिंदा होंगे। और मैं समझता हूँ कि गावस्कर की वो पारी विश्व क्रिकेट के इतिहास में एक अमर पारियों में से एक कही जाएगी।